सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। मैं हाँ गगनदीप सिंह ते लैके हाजिर हुए हाँ हुण तक की खास अपडेट। विधानसभा दे विच जो कुछ हुण तक लई चल रहा है उसकी पल पल की अपडेट तुहानू दसांगे कि हुण तक जदों 10 बजे तो कार्रवाई विधानसभा की शुरू हुंदी है तो उस तो बाद हुण तक सारिया धिरां ने किहो जिहा प्रदर्शन विधानसभा दे विच कीता है। अकाली दल का रूप बड़ा वक्खरा रहा है। अकाली दल ने पुतला फूक प्रदर्शन भी कीता विधानसभा के बाहर, विधानसभा के भी काफ़ी वड्डे मुद्दों के उत्ते जिहड़ा अकाली दल गर्म हुंदा नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता धिर नूं घेरन की तैयारी सवेर तो ही कर ली सी। MLA होस्टल तो जदों आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के वल आए ने तो उन्होंने उस वक्त एक पैदल मार्च किया है। तो उन्हां दी मंग सी कि पुरानी बिजली समझौतों नूं रद्द किया जाए जिन्हां दे तहत प्राइवेट कंपनियां तो महंगी बिजली खरीद के पंजाब के लोगों को दी जा रही है जिसका सीधा असर पंजाब के खजाने और पंजाब के लोगों के उत्ते पै रहा है। इस करके उन्होंने इस बिजली समझौते रद्द करने की मांग करदे प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक जिहड़े सी MLA होस्टल तो पैदल मार्च करदे विधानसभा के वल वधे ने। विधानसभा के विच आके भी प्रदर्शन उन्होंने इस तरह का रहा है। उधर अकाली दल की गल करिए अकाली दल भी वड्डे पद्धर के उत्ते प्रदर्शन के विच है क्योंकि अकाली दल नगर निगम चोणां दे विच वड्डी जित हासिल करन तो बाद ही अपने नवें रोह दे विच नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी तो बाद दूजे नंबर पर आ चुके आए हुण अकाली दल का वड्डा केडर जिसनों लैके हुण अकाली दल काफ़ी सरगर्म है। अकाली दल ने जिहड़ा अज प्रदर्शन रहा है वह कर्मचारियों नूं लैके रहा है। कर्मचारियों नूं पक्के करन नूं लैके मंगा सी, कर्मचारियों की पे स्केल नूं लैके चर्चा जिहड़ी हुई है कि जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते कर्मचारी रखे ने उन्हां नूं पक्के करन नूं लैके जां नवें कर्मचारियों की भर्ती नूं लैके पंजाब सरकार नूं जिहड़ा अकाली दल ने घेरिया इस नूं लैके पुतला फूक प्रदर्शन जिहड़ा अकाली दल दे वल्लों कीता गया। विक्रम मजीठिया इत्थे खास तौर दे उत्ते रहे ने, सारे विधायक अकाली दल दियां ने नारेबाजी भी कीती है ते खास तौर दे उत्ते पुतला फूक प्रदर्शन अकाली दल दे वल्लों रहा है। अकाली दल के आगुआं की गलबात सुनाने तो उस तो बाद जिहड़ा अगे वधांगे कि एक झटका हुण भाजपा नूं दिल्ली दे विच वी लग्गिया उस ते वल वी रुक लांगे। जो हुण तक दा विधानसभा दे विच जेकर पंजाब की गल करिए तां पंजाब दी विधानसभा दे विचों आम आदमी पार्टी ते अकाली दल दोहें वाकआउट कर चुके ने। दोहां ने प्रदर्शन किया बाहर आके वाकआउट करन तो बाद आम आदमी पार्टी ने बिजली समझौते रद्द करन दी मंग नूं लैके वाकआउट कर दिता है। उन्हां दा कहना है कि विधानसभा दे विच उन्हां दी सुनी नहीं जा रही जिस तो बाद उन्होंने वॉकआउट किया। असं पिछले 4 सालों तो यह मुद्दा चकते आ रहे और कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो का वादा सीगा कि जदों इन्हां दी सरकार बन जाती है ये जिहड़े 3 प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स दे नाल पिछली सरकार ने एग्रीमेंट किए थे उन्होंने रद्द करांगे ताकि लोगों को महंगे बिजली के बिलों तो राहत दी जा सके। पर जदों दी सरकार बनी है कन्ना ते जूं नहीं सरक रही हैगी। असीं स्पीकर साहब नूं यही पुछना चाहुंदे आ कि जिहड़ा बिजली का यूनिट अज मच रहा है उहदे विच घट्टो घट 3 तों 4 रुपए का चूना जिहड़ा उन्होंने लग रहा है। ये तो लुट कंटीन्यूअसली पिछले 10-12 साल तो चल रही है तो जदों तक इन्हू नथ नहीं पाई जाऊगी ये मसला तो ताज़ा ही रहूगा। मैं दावा करदा कि जे साडा आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ वाइट पेपर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पढ़ लैन और इन बिन लागू कर देन तो घट्टो घट पंजाब दे विच 3 तों 4 रुपए पर यूनिट बिजली है जिहड़ी वह सस्ती की जा सकती है। असीं करके दिखावांगे जिवें दिल्ली की साडी सरकार अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने तकरीबन 60% घरां नूं बिजली का बिल है जिहड़ा जीरो आ रहा है। अज सामने निकल के RTA तहत कि केंद्र सरकार अपने पैसे जारी कर रही आ, सेंटर सरकार पैसे जारी कर रही है और पंजाब सरकार जिहड़ा हैगा वो दलित विद्यार्थी दे वरतों सर्टिफिकेट जिहड़ा हुंदा हैगा भेज नहीं रही। इस गल करके लखां विद्यार्थी जिहड़े हैगे ने उन्हां दा भविख धुंधला हो गया। दलित विद्यार्थी पंजाब दे गरीब विद्यार्थी ने लखां डिग्रियां जिहड़ियां नेगियां वह रोकिया पईआं ने। क्यों रोकिया पईआं ने? सेंटर सरकार पंजाब सरकार बहाना ला रही आ कि लगभग 1650 करोड़ रुपया सेंटर सरकार नहीं दे रहा। मैं देखिया कि अज 100 करोड़ तो उपर जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ने इसे साल लई जारी किया। केंद्र सरकार ने उस RTA च कहा गा कि साढ़े कोले कोई भी राशि बकाया नहीं हैगी, असी लगातार हर साल पंजाब सरकार नूं पैसे भेजदे पर पंजाब सरकार जिहड़ी आ वो अगे विद्यार्थियों को बंटती नहीं हैगी, अगे वरतों सर्टिफिकेट नहीं आते। ये मामला पंजाब की विधानसभा के विच असी उठाया। उधर अकाली दल ने पहला ही जिहड़ियां कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पुतला फूक प्रदर्शन करदियां उस तो बाद वॉकआउट कर दिता सी विधानसभा के विच। सो हुण तक दोहें विरोधी धिरां जिहड़ियां वड्डी विरोधी धिरां पंजाब दीआं मन्नियां जांदियां ने दोहें वॉकआउट कर चुकियां ने। इन्हां दे वल्लों वॉकआउट किया जा चुका है तो उधर जिहड़ी कार्रवाई है विधानसभा की लगातार चल रही है। उम्मीद है कि अज किसान मसले नूं लैके वड्डा ऐलान जिहड़ी पंजाब दी सरकार कर सकती है, वड्डे मते जिहड़े पास हो सकते हैं।
खास करके एम एस पी सब्जियां दी एम एस पी नूं लैके जिहड़ी एम एस पी कानून है वह पंजाब दी विधानसभा अपना बना सकती है तो अपना प्रस्ताव जिहड़ा पास हो सकता है। मुड़ तो खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ जिहड़े प्रस्ताव ने वह पास हो सकते हैं। अज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि 5 तरीक नूं पंजाब का बजट पेश होना है, उस तो बाद जिहड़ी कार्रवाई वह सारी बजट के उत्ते रहनी है। बजट के उत्ते बहस लगातार 2-3 दिन चलनी है तो उस तो बाद यह बजट सैशन है जिहड़ा खत्म हो जाना क्योंकि 1 मार्च में इस बजट सैशन की आरंभता होंदी है तो 10 मार्च तक यह बजट सैशन चलना है जिस दे विच 2-3 के करीब जिहड़ियां छुट्टियां ने जिस दे विच शनि ऐतवार की भी मिला के चलिए तो तकरीबन 7 तो 8 दिनों का ही यह जिहड़ा बजट सैशन है जिस दे विच बजट भी पेश होना, खेती कानूनों को लैके भी चर्चा होनी है। सो इस करके अज ते कल का दिन ही अहम मनिया जा रहा है कि अज ते कल के दिन के सरकार किसानों खुश करने के लिए भी कोई वड्डे ऐलान जिहड़े कर सकती है। पहला प्रदर्शन दी हुण तस्वीरां विखाउने जो अकाली दल दे वल्लों प्रदर्शन कीता गया। आजमा दे मुद्दियां नूं लै के अज सरकार नूं असी घेरना है। देखो इस सरकार दा 2017 दा जिहड़ा वड्डा वायदा सी, सब तो पहला वायदा सीगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंपलॉइज नूं पक्के करांगे, कच्चे नूं पक्के। पहली कैबिनेट च किन्नियां कैबिनेट लंघ गईआं, एक बंदे नूं भी पक्का नहीं किया, उल्टा पोस्टां खत्म करनियां शुरू करतियां ने। दूजा वायदा किया सी कि जिहड़ा पे स्केल की गल सी, पे कमीशन की, पे कमीशन अज तक नहीं लागू होया। पे कमीशन दियां 100 तो वध ड्रामे करते मीटिंगां दे कि इह जिहा फैसला करना चाहुंदे, देना ही नहीं चाहुंदे। फिर पंजाब पे स्केल खत्म करके सेंट्रल पे स्केल लागू करना, टी ए डी ए अरेयर्स, एडा वड्डा धोखा धक्का ते फ्रॉड कि उन्हां दे सारे टीएडीए खा गए। तो उधर दिल्ली दे वल वधीए तां दिल्ली दे विचों आखिरकार हुण किसानी अंदोलन दा सेक कितना कितें भाजपा महसूस करन लगी है क्योंकि भाजपा नूं वड्डा झटका हुण दिल्ली दे विचों लग चुके है। दिल्ली दे विच 5 नगर निगम दीआं सीटां दे उत्ते चोणां होईआं सी जिन्हां चोणां दे विच कांग्रेस पार्टी 1 सीट के उत्ते जीती है तो 4 सीटों के उत्ते बाजी आम आदमी पार्टी मार चुकी है। भाव के भाजपा के हाथ 1 भी सीट नहीं लगी, इस करके भाजपा का वड्डा केडर इतने नगर निगम चोणों के जो मनिया जाता सी वड्डा होल्ड जो भाजपा का है इतों की नगर निगम के उत्ते क्योंकि MCD जी है वो खास तौर उत्ते भाजपा के हाथ के, इस करके भाजपा को यह वड्डा झटका है कि 1 भी सीट 5 के उन्होंने हाथ नहीं लगी। बीते दिन वड्डे आगू जिहड़े जिन्हां दे विच गौतम गंभीर भी सी, ओह भी प्रचार दे विच सी, उन्हां दे वल्लों इक रैली भी की गई, लगातार रोड प्रदर्शन किए गए सी उन्हां दे वल्लों, पर जित जिहड़ी उह हासिल नहीं कर सके ने। ते जित जिहड़ी है वह आम आदमी पार्टी 4 सीटां दे उत्ते कर गई हासिल, अते उधर 1 सीट कांग्रेस भी हासिल कर चुकी है। इस दे उत्ते मनीष सिसोदिया ने गलबात की है। मनीष सिसोदिया ने इस नूं भाजपा दे लई इक सिख दे तौर दे उत्ते लैण दी गल कही। उन्हां दा कहना है कि भाजपा दे लई सिखण दा मौका है कि हुण लोक उन्हां दे उत्तों परेशान ने। अजिहा कुछ जिहड़ा कहना है मनीष सिसोदिया दा, उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली दे की कुछ कह रहे ने मनीष सिसोदिया, भी सुनते हैं। तो राजनीति में ये प्लस माइनस होता है, लेकिन जब 5 में से 4 सीटें जीतते हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। नगर निगम के चुनाव में क्योंकि वोट भी कम पड़ता है उसका फर्क रहा होगा, लेकिन जिस तरह से लोगों ने 5 में से 4 सीटें देके अरविंद केजरीवाल जी की 6 साल की राजनीति पर भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की राजनीति का सुपड़ा साफ किया है, वो एक बड़ा मैसेज है दिल्ली की जनता की तरफ। सो ये हुण तक ते खास अपडेट सी पंजाब दे विधानसभा सैशन नूं लैके अते खास तौर दे उत्ते दिल्ली दे विच होईआं चोणां नूं लैके, विधानसभा दे विच किहड़े किहड़े मते पास हुंदे ने उस नूं लैके की वड्डी अपडेट आउंदी है। जदों ही कोई वड्डी अपडेट आएगी फिर हाजिर होवांगे ते हर पल पल दी विधानसभा दी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। फिलहाल दे लई इजाजत लवांगे, बहुत बहुत धन्नवाद जी।